5 इंटरव्यू दे चुका है, अब तक प्लेसमेंट नहीं लगी। भैया भैया प्लेसमेंट नहीं लगी अब तक। But why do you think we should hire you for this role? अबे वीडियो बनाता रहेगा क्या, या प्लेसमेंट भी लगवाएगा? So you have to find one or more missing elements in this array. Hello beta, kaisa raha interview? मम्मी इसमें भी नहीं हुआ, आगे ट्राई करता हूँ। तो ये प्लेसमेंट की कहानी आज से कुछ 4 महीने पहले शुरू हुई, जब मैंने इंटरव्यूज के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। अब तक की कॉलेज लाइफ में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई थी और काफ़ी ब्रांड्स के लिए फ्रीलांस वर्क भी किया था, लेकिन इस बार चैलेंज नया था और डिफरेंट भी, प्लेसमेंट जो क्रैक करनी थी। आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो पेरेंट्स के लिए और खुद के लिए एक स्टेबल अर्निंग सोर्स होना भी बहुत ज़रूरी था। तो बस फिर रूटीन चेंज हुई, प्रीमियर प्रो की जगह ले ली वीएस कोड ने और व्लॉग्स की जगह ले ली ऑनलाइन क्लासेस ने। तो ऐसे ही 3-4 महीने मेहनत करने के बाद फाइनली मेरी प्लेसमेंट। अबे रुकना, इतना आसान थोड़ी था। सही बात है, अच्छा है आसान नहीं थी। 3 महीने में इतना कुछ देखा और इतना कुछ सीखा जो शायद कभी ना सीख पाता। जिस अनअकैडमी प्रोजेक्ट पे मैं पिछले 8 महीने से काम कर रहा था वो अचानक बंद हो जाता है, वहाँ से आने वाली सैलरी भी बंद हो जाती है। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि कुछ टाइम के लिए YouTube को अपनी सेकंड प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा और स्टडीज़ को फर्स्ट। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्लेसमेंट्स में कंपनीज क्रैक करने की फर्स्ट कंडीशन थी CGPA और ब्रांच, और इन दोनों में ही मेरा लक काफ़ी ख़राब था। अब तक की मेरी CGPA थी 6.9। काफ़ी सारी कंपनीज के कोडिंग राउंड के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी मेरा इंटरव्यूज़ में नाम नहीं आ रहा था, और तो और कई कंपनीज ऐसी भी थी जो मेरी ब्रांच को अलाउ ही नहीं कर रही थी। लेकिन अगर रोड से स्पीड ब्रेकर ही हटा दोगे ना तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। मैंने टोटल 6 कंपनीज के इंटरव्यूज़ दिए जिनमें से 5 में मैं रिजेक्ट हो गया। और एक बात मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि अगर उन 5 कंपनीज में रिजेक्ट होने का एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं होता ना, तो शायद मैं 6th कंपनी कभी क्रैक ही नहीं कर पाता। कभी कभी तो इंटरव्यूज अच्छा जाने के बाद भी नाम नहीं आता था, और वो टाइम काफ़ी डीमोटिवेटिंग था। लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम खोलने से ही एंग्जाइटी होने लगी थी। हर एक रिजेक्शन के बाद यही लगता था कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है। और इसी टाइम मुझे एक सपोर्टर में और एक सब्सक्राइबर में डिफरेंस पता चला। अचानक मेरे चैनल्स पे कमेंट्स बढ़ गए, लोग सपोर्ट तो कर ही रहे थे लेकिन कुछ लोग ट्रॉल भी कर रहे थे। कई लोग कमेंट्स करते थे, मैसेजेस भेजते थे, और तो और कुछ लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अरिंदम के यही वर्ड से कि भाई जो हरमन है भाई उसके तो नंबर तक नहीं आ रहे, हरमन सिंह और अजय राज इन लोगों के तो कॉलेज में नंबर तक नहीं आ रहे, लगे हुए हैं, इनको प्लेसमेंट के लिए बैठने नहीं मिल रहा, इतना कम CGPA, कुछ 6 या 7 CGPA बताया था, और यहाँ से ये अपने बस हवा के लिए यहाँ से यूट्यूब पे डाल देते हैं अ डे इन लाइफ ऑफ माई जो भी रहता है यहाँ से। हेलो हेलो बेटा, कैसा रहा इंटरव्यू? हाँ मम्मी, हो गया।